एक तो जम्मू के एरिया के नाम बड़े तगड़े ना, मुट्ठी पलौड़ा गांडी मंडी। गाइस आप मेरी आंखें देख सकते हो यार, मेरी आंखें आज देखो, मैं सोया भी नहीं हूँ रात का, म्यूजिक का वर्क करा था पूरी रात, म्यूजिक का वर्क करा था और अभी सुबह सुबह घर पे जाने लगा हूँ। घर पे जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। ये डॉक्टर साहब मेरे, थोड़ा लाइसेंस का काम भी करवाना है दवाइयों का। ये मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब वही आगा जो काम पक्का। ये मेरे डॉक्टर साहब है मेरे, बड़े अच्छे और पुची डॉक्टर साहब है ये। तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब का रेडियो में फोन ठीक है? घर पे जाते हैं, मम्मी को करते हैं सुबह सुबह तंग और कसम से भूख भी लगी है। तो अभी घर पे जाते हैं, मम्मी से मिलाते हैं आपको। ओके सोंडी मंडी गाइस, आपको पता है, आपको शायद नहीं पता है लेकिन आज मैं स्टूडियो गया ही नहीं यार, मैं सुबह का सोया हुआ था। और ये प्रगट आया एक हैंकर पहन जो इस बंदे को माँ की कसम टकाई नहीं है, ये बंदा घर पे नहीं टिक सकता। इसको क्या है कि इसको पोस्टर बनवाने के लिए पहन दी शिकी मुट्ठी से मुट्ठी कहाँ भैया, मैं मुट्ठी रहता ही नहीं हूँ यार, मिश्री वाला पलौड़ा से भी आगे मिश्री वाला वहां से आया। एक तो जम्मू के एरिया के नाम बड़े तगड़े ना, मुट्ठी पलौड़ा मिश्री वाला ठीक है। द्यारन, तो अभी इसका यार पोस्टर रेडी करना है गाने का, इसका जल्दी गाना आ रहा है तो इसका भी चैनल सब्सक्राइब करना, हैंकर म्यूजिक। हाँ, इसके सब्सक्राइबर बड़े ज्यादा है, बड़े ज्यादा 4000 प्लस, मेरे 500 भी नहीं टपे, माने 500 टपाओ। शिकी इतनी इज्जत दी है इन्होंने मुझे, कहते भैया आप आगे बैठो, माने जैसे न्याणा नहीं होता, मैं बच्चा होता छोटा, कहते आगे बैठो आगे शिकी, अभी हम बैठेंगे आगे। मजा आ गया समझ रहे हो ना? हाँ हाँ लग रहे हो। फोटो शूट कराना हो 5000 रुपया 2 घंटे का। ओ अब्बू मिल गया मुझे, अब्बू क्या हाल है, अब्बू क्या हाल है, कर रहा है? मैं मंजे चराने आया था अपनी यार, मंजे जा रहा हूँ मैं अभी, चुराने गया था इनको यार, मेरी मंजे हैं गाइस। ये मेरा भाई है, इतना गंद है कसम से, बाय गॉड इससे बड़ा गंद नहीं मैंने आज तक देखा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फोटो ब्लॉगिंग कर रही है ये, मैंने अभी क्यूट गर्ल बिठाई है अपने पीछे। ये इतना बड़ा गंद है ना गाइस, तू कौन सा शंतनु स्टंट है तू? शंतनु गाइस मैं भिक्षा जंत, ओ सॉरी जंत। ओ गाइस ये देखो हमारा डॉगी कूपर सबसे ऊपर। तो गाइस आज मैं इतना ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि आज एक्चुअली मैं ना रात को ना सोया ही नहीं था यार, मैं म्यूजिक का वर्क कर रहा था, लिरिक्स वगैरह लिख रहा था और म्यूजिक पे वर्क कर रहा था, तो उसकी वजह से मैंने ना ब्लॉग बनाया ही नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, कुछ भी नहीं शूट किया। और चलो आज आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं थोड़ी, मैंने जैसे बताया कि हमारे ब्लॉग में नॉलेजेबल चीज़ें भी होंगी। तो गाइस देखो ये अभी ना जम्मू कश्मीर में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, एक एंटरटेनमेंट फील्ड जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका रीज़न क्या है कि बड़े कम लोगों को पता है, कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, बट ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है
उसने जम्मू कश्मीर को लगभग 500 करोड़ की सब्सिडी दी उसमें एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए। तो ये अभी बहुत अच्छा चांस है हमारे जम्मू कश्मीर की के लिए, यूथ के लिए, एक्टर्स के लिए आगे आने के लिए। तो अभी पीछे हमने ऑडिशंस भी किए थे मूवी के और काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट सेलेक्ट भी हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो ना, एक्टिंग की फील्ड में या सिंगिंग की फील्ड में या किसी की भी इस एंटरटेनमेंट फील्ड में, तो यार मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई सीख के, हमेशा सीख के आओ। अगर आपको मंजिल का पता है कि भाई वो मेरी मंजिल है, पर अगर आपको रास्ते का ही नहीं पता है तो आप कैसे जाओगे, है ना? आप ऐसे थोड़ी चले जाओगे बिना रास्ते के। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो भाई मुझे डॉक्टर के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। वही चीज़ है अगर आपको एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, कुछ बनना है, तो भाई आपको वो सीखना चाहिए, क्योंकि तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी कई बंदे मुझे कहते हैं भैया हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई स्ट्रगल करने का मतलब पता क्या होता है? आप उस फील्ड में हो, आप धक्के खा रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यार आप घर पे बैठे हुए हो, गाने लिख रहे हो, घर पे बैठे हुए हो, गाने गा रहे हो, है ना, या घर पे बैठे हुए शीशे के सामने एक्ट कर रहे हो। वो स्ट्रगल नहीं होती यार। स्ट्रगल का मतलब है आप यहाँ से जा रहे हो भाई कहीं पे सीखने के लिए, कभी ऑडिशन दे रहे हो, वहाँ पे आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, उस चीज़ को आप स्ट्रगल कहते हैं। ये बड़ी बेकार बेतुकी की बात है कि जम्मू के लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई हम बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं सिंपल सी बात है, आप नहीं कर रहे हो। आप उसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं कि किसी से पूछ लिया कि भाई तू कितना प्राइस लेता है म्यूज़िक के, तो वो आगे से अपना रेट बताता है और तू आप कहते हो नहीं भाई ज़्यादा है, तो उसका मतलब वो स्ट्रगल नहीं होता कि भाई तुम वहाँ तक नहीं जा पा रहे उसके रेट तक, तो वो बड़े ज़्यादा है। तुम जा सकते हो, तुम भाई कोई भी काम करो, मैं कह रहा हूँ भाई रेडी लगा लो, कुछ भी चीज़ें बेच के तुम उतना कलेक्ट करके उसको उसकी फ़ीस दो, उसको स्ट्रगल कहते हैं। आप किसी की फ़ीस पे कर रहे हो, वो स्ट्रगल होती है। कैसे कैसे आपने पे की उसको, वो आपकी स्ट्रगल में आता है। ऐसे नहीं होता, ये स्ट्रगलें नहीं होती है, ठीक है? तो ये एक स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हो, कितना उसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, कितने धक्के खा रहे हो, उस चीज़ को हम स्ट्रगल कहेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, और अभी आ भी जाना चाहिए, क्योंकि देखो ना कई सारी मूवीज अभी लद्दाख में, जम्मू में, कश्मीर में शूट हो रही हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं, बाहर के इवन बॉलीवुड मूवी भी शूट हो रही है, वो क्या करते हैं, 5 बंदे लेते हैं जम्मू कश्मीर के, थोड़े आर्टिस्ट सब्सिडी अप्लाई करते हैं तो वो ले लेते हैं। तो बेस्ट है कि अभी आप भी इस फील्ड में आ जाओ यार, आप सीखो, बड़ा अच्छा मौका है। बाद में ये मौके शोके चले जाएंगे, फिर आप कहोगे यार काश हमने कुछ किया होता, है ना, लाइफ में। क्योंकि सरकारी नौकरियाँ आप भूल जाओ यार, सरकारी नौकरियाँ अब तो मिलना नामुमकिन है। तो अगर आप में ये चीज़ टैलेंट है, कईयों में टैलेंट होता है, जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो भाई मेरे साथ जो मेरी टीम थी, मेरा भाई सुमित संग्राल, अभी वो दुबई में है, वो वहाँ पे जॉब वगैरह कर रहा है वो, तो फिर मेरे साथ एकी है, जैरी है, देन उसके बाद शुभम है मेरे साथ, शुभू है, अभी है। तो जब हम ये स्टूडियो हमने सेटअप किया था तो हमारे पास कोई इतना सब कुछ थोड़ी था, जहाँ हमने कोई कहाँ से सीखना था, मैं तो गांव एरिया का हूँ भाई, आप देख सकते हो मैं गांव एरिया का हूँ, मैं टोटली ग्राइंपोट बंदा हूँ, सिंपल सी बात है। मैं तो ये भी नहीं देखता कि भाई मैंने कपड़े क्या डाले हुए हैं, मैं चले जाता हूँ, मैं बिना टेंशन लिए चले जाता हूँ। और तो ये चीज़ें जब हमने स्टूडियो वगैरह सेटअप किया था, हमें थोड़ी पता था कि हमारा चल पड़ेगा ये वो है, हमें कुछ नहीं पता था भाई, सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता था, हमें इस फील्ड का ही नहीं पता था। बट हमने सीखा कैसे कैसे, हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, बट हमने देख देख के सीखा, धक्के भी खाए हैं वो, कि कैसे कैसे हमने सीखा था। वो पूरी पूरी रात बैठ के मैंने लैपटॉप पे बैठ के मैंने काम वगैरह किया हुआ है। फिलहाल ये जो स्ट्रगल है, ये तो मेरी स्ट्रगल है, मेरी स्ट्रगल मेरे मुझे ही आगे बढ़ाएगी, किसी और को नहीं बढ़ाएगी। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो फील्ड में काम कर रहे हो ना भाई, उसको सीखो, ठीक है, बिना सीखे नहीं। तो मैं बता रहा था कि जो हमने स्टूडियो वगैरह सेटअप किया, हमने बड़ी मुश्किल से सेटअप किया। मैंने जो मैं स्कूल में था, टीचर था, म्यूज़िक टीचर था, 6500 पे लगा हुआ था, तो 6500 पे मैंने कलेक्ट करके सामान वगैरह लिया। कॉलेज में था, जब मैं कॉलेज, मैंने जो मेरे स्टूडियो में माइक वगैरह लगे हुए हैं वो कॉलेज टाइम के ख़रीदे हुए हैं मैंने पॉकेट मनी से,
साल साल पॉकेट मनी जोड़ी, वो मैंने माइक वगैरह लिया। तो मैं कॉलेज में भी मैं ऐसे ही मतलब कि घर वाली टी शर्टें डाल के ऐसे ही रहता था, मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं लेता था। 2020 में स्टूडियो सेटअप किया था और ऊपर वाले ने भाई बड़ा दिया, ऊपर वाले ने, हम लगे रहे, ऊपर वाले ने दिया, ऊपर वाले ने हमें वहाँ तक भी हमने सॉन्ग दिए जहाँ पर हमने सोचे नहीं थे, मूवीज़ में भी दिए, वेब सीरीज़ में दिए हमने सॉन्ग, और मुंबई बेस्ड वेब सीरीज़ में सॉन्ग दिए। दैन उसके बाद हमने काफ़ी आर्टिस्टों के साथ वर्क भी किया। अभी एक जम्मू में फिल्म प्रोडक्शन आई है, जिंगारा बैच फिल्म्स, उसमें भी एज अ मेंबर वर्क हूँ मैं। तो बड़ा कुछ दिया यार ऊपर वाले ने, अब इतना काबिल बनाया कि मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ। इतना नहीं है कि मैं बड़ा अमीर, बड़ा वो, बड़ी इनकम आ रही है मेरी, नहीं, बट मेरा खर्चे वगैरह निकल गए हैं। तो आपको भी अगर यार इस फील्ड में हो तो प्लीज़ सीख के आओ, आपकी इनकम लगेगी, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा, अपने खर्चे उठा सकते हो यार। क्योंकि 25-26 साल की उम्र में अगर आप कर कुछ लेना दे भाई, फिर वक्त हाथ से गुजर जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो आप देखो मेरी नीचे बाइक खड़ी हुई है, ये आपको दिख रही होगी बाइक, ये मैंने अपने बर्थडे पे खरीदी थी इस साल 19 जनवरी को। तो ये मैंने कैसे कैसे करके पैसे कलेक्ट करके खरीदी। तो अगर जो जवान जो होता है ना, अभी जवानी की उम्र है यार, अभी आपको करना चाहिए, शौक जवानी में पूरे होते हैं, और जो शौक घर वालों के पैसों से पूरे हो ना, वो शौक नहीं होता यार, वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, अगर आपको अपने शौक पूरे करने हैं भाई, काम करना शुरू कर दो, यूट्यूब पे आओ, इंस्टा पे आओ, कोई भी काम करो यार। ज़रूरी नहीं है कि भाई इंस्टा यूट्यूब से बड़ा पैसा मिलता है, नहीं नहीं मिलता है, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। यूट्यूब आप सोच रहे हो ना भाई बड़ा पैसा पे करता है, मेरे ख्याल से अगर 1 मिलियन या 2 मिलियन होंगे ना तो 30,000 पे होगा, तो 2 मिलियन भी बड़ी मुश्किल से आता है भाई, बहुत मुश्किल से। तो इससे बेटर है आप कोई जॉब भी करो, अगर आप, मैं सबसे बेटर यही राय दूंगा आपको कि भाई अगर आप इस फील्ड में हो ना, म्यूज़िक फील्ड में या एक्टर फील्ड में, तो इस पर डिपेंडेंट मत रहो, इवन यूट्यूबर भी इस पर डिपेंड मत रहो, यूट्यूब पर ये कभी भी डिलीट हो जाता है यार। तो अगर आप एक साइड बाई जॉब भी करोगे ना, वहाँ से अर्निंग करके, अगर आप वहाँ से कमा के अपने अपने जो करियर है, अपना जो ड्रीम है, अगर आप उस पर लगा रहे हो ना, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। और सबसे बेस्ट है कि यार आप जॉब वगैरह पकड़ लो, और जैसे कि म्यूज़िक फील्ड है या कुछ भी है, जैसे कि आपको किसी म्यूज़िक प्रोड्यूसर, किसी रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट को पे करना पड़ेगा, तो आप अपनी इनकम से पे करोगे, आप घर वालों से मांग के नहीं करोगे। ठीक है, और ऊपर वाला जब वो मेहनत देखता है ना, वो स्ट्रगल देखता है ना बंदे की, वो उसको कामयाब बनाता है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, अभी हमारे साथ ऐसा चल रहा है कि मैं सॉन्ग मैंने निकाले हुए बहुत देर हो गई, मुझे अभी सॉन्ग निकाले हुए बहुत देर हो गई है, तो फिर भी मेरा इनकम सोर्स चल रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं आज यही बोलना चाहता था कि भाई सीखो, जॉब करो, जॉब पकड़ लो, पैसे कमाओ, घर वाले से मत लो। ठीक है, कुछ भी काम करो, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ ना कुछ भी करो। अगर मैं 6500 पे काम कर सकता था पर मंथ, 6500 कुछ भी नहीं होते, अगर मैं करता था भाई, आप भी करो। ठीक है, तो वहाँ से अपने कलेक्ट करो उसको, अपने जो ड्रीम्स है वहाँ पे लगाओ, क्योंकि वो आपके ड्रीम आपने देखे, किसी और ने नहीं देखे, तो उसको पूरा भी आपको ही करना है, उसके लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। किसी और को ये बोल के आप ये मत सिंपथी गेन नहीं करो कि भाई मैं स्ट्रगल करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं, सिंपथी गेन नहीं करो भाई। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को ये नहीं बोला कि भाई मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, ये कर दो। अब आप कई लोग मुझे बोलते हैं भैया गाना भी आप लिखते हो, गाते भी आप हो, वीडियो भी आप कर रहे हो, एडिटिंग भी आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, तो आप इतना सब कैसे करते हो? भाई मेरी सिंपल सी बात है, मैंने किसी के आगे तरले नहीं डाले कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे ये करके दे दो या वो कर दो, मेरे पास नहीं थे, मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने वो काम खुद करना शुरू कर दिया। तो जब मैं काम करना शुरू कर दिया तो बस फिर इवन जो पैसे अभी किसी और को देने थे वो देने की ज़रूरत ही नहीं, आप मुझे इतना सब कुछ कर ही तो लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है,
अल्लाह की कसम मज़ा आ रहा है, और ये मज़े आप भी लो लाइफ में, ठीक है ना। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करो यार, पैसे कमाओ भाई, कैसे भी करके कमाओ, टिकटें बेच के कमाना पड़े, कमाओ, लगाओगे अपने ड्रीम पे लगाओगे, कल को यही आपका ड्रीम आपको देगा, ठीक है। किसी से मांगो मत, ना घर वालों से, ना किसी से। हाँ थोड़ा बहुत मांग लो यार, 100 रुपया मांग लो तेल के लिए, वो तो मैं अभी भी मांगता हूँ भाई, गुड, मैं अभी भी कभी कभार तेल के लिए मांगता हूँ, और ये तेल बहुत खाती है यार, पर मज़ा आता है, अपनी है ना, मज़ा आता है अपनी कमाई से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज बड़ा ज्ञान पे लिया मैंने, ओह सॉरी, मेरे ब्लॉग बड़े डबल मीनिंग होते हैं यार, मैं बेसिकली मैं आपको बताता हूँ यार, मेरे ब्लॉग ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मल अपने फ्रेंड जोन में या अपने सर्कल में जैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैं वही यूज़ करता हूँ, डबल मीनिंग वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि मैं ना स्क्रिप्ट ब्लॉग बनाता हूँ ना कुछ, मेरे पास ना स्क्रिप्ट है, ना मेरे पास सिंपल सी बात है, ना कोई लड़की, ना कोई कंटेंट, मेरे पास हूँ मैं अकेला ही बड़ा, मैं अकेला बनाऊंगा ब्लॉग, मेरे को सब्सक्राइब आए नहीं आए मुझे उससे चिंता नहीं है, हाँ अगर आएंगे तो भाई बड़ी अच्छी बात है, कल को क्या पता मैं थोड़ी नॉलेजेबल चीज़ें दूंगा तो आपको भी वो गेन करने में आसानी होगी, और आपको भी आगे जाके हेल्प होगी, तो करते हैं ना ब्लॉगिंग, मज़ा तो आ रहा है, ओके।